पास क्यूटा या वाटर हेमलॉक एक हाईली पॉइजनस प्लांट है और ये फैमिली एपिशिया से बिलोंग करती है और वाटर हेमलॉक 2.5 मीटर से 8.2 फीट तक लंबी हो सकती है। ये फ्लावर दिखने में कितना नॉर्मल रखता है उससे कहीं ज्यादा ये खतरनाक है। इस प्लांट को सिर्फ छूने से स्किन इन्फेक्शन होता है और अगर कोई इंसान इस हाईली पॉइजनस प्लांट के किसी भी पार्ट को सीड्स लीव फ्लावर फ्रूट्स को खा लेता है तो उसके शरीर के अंदर पॉइजन बनने लगता है। वोमिटिंग, स्टोमक पेन, डिजीनेस, टायर्डनेस, वीकनेस, ओवर स्वेटिंग, ये वाटर हेमलॉक के डाइजेशन के कुछ सिम्टम्स है। नंबर 2, नेरियम ओलियंडर। नेरियम ओलियंडर या ओलियंडर के हर पार्ट्स डेडली होते हैं। अगर इस ओलियंडर को कोई गलती से खा जाता है तो उसे वोमिटिंग, डायरिया, इरेक्टिक पल्साइजर सिम्टम आते हैं और कभी कभी इंसान कोमे में जा सकता है और कभी मर भी सकता है। ओलियंडर को सिर्फ छूने से स्किन इरिटेशन होता है। आपको ये जानकर शॉक होगा कि ओलियंडर के अंदर के टॉक्सिन्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि अगर कोई हनीबी इस फ्लावर को विजिट करके हनी बनाती है और वही एक्सट्रैक्टेड हनी हम खाते हैं तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। फॉर्चुनेटली ओलियंडर प्लांट्स के फैटलिटीज बहुत रेयर है क्योंकि अगर कोई कंज्यूमर इसे खा रहा होगा तो इसका टेस्ट बिल्कुल ही बीटर होगा क्योंकि ओलियंडर टेस्ट में बहुत ज्यादा बीटर होता है। नंबर 3, मैकिनल ट्री। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस ट्रीज है। ये ट्री जो मिल्की स्वैप प्रोड्यूस करती है वो बहुत डेंजरस होती है और इसके फ्रूट को कंज्यूम करने से आप मर भी सकते हो। और अगर कोई इंसान बारिश होने पर इस पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और अगर इस पेड़ से टच होके आने वाली ड्रॉपलेट्स आपकी स्किन में पड़ गई, स्किन में ऐसे पेनफुल ब्लिस्टर्स हो जाएंगे। और इस ट्री के वुड को कोई जला देता है और उसके स्मोक अगर किसी के आंख में चला गया तो अंधा हो जाएगा। अब मैंने इसके कुछ डेंजरस प्रॉपर्टीज बताए हैं, इसे सुनकर आपको पता ही लग गया होगा कि ये कितना डेंजरस है। जिस जगह ये होती है उस जगह पर ऐसे वार्निंग बोर्ड्स लगाए हुए होते हैं ताकि गलती से भी कोई इंसान इसके पास ना जा सके और इसे पॉइजन गोवा भी कहा